set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. तो फ्रेंड्स, जो हम गैजेट बनाने वाले उसके लिए हम एक बार फिर से अंडे का खाली हिस्सा लिए है और उसमें शार्पनर के उतना होल कर देंगे और उसके अंदर हम वाइट सीमेंट इसके अंदर भरेंगे, ना ज़्यादा गीला ना ज़्यादा सूखा, और अच्छा इसको हिला के और शार्पनर को हम टेप लगा देंगे कागज़ का एब्रो टेप, ताकि शार्पनर में हमारे कुछ भी सीमेंट ना जा पाए। फ्रेंड्स, एक बार अपने बच्चों के लिए आप ज़रूर बनाइए, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है जिसकी मदद से आपके बच्चे शार्पनरिंग भी करेंगे और पेंसिल का होल्डर भी इसमें है। और भी अगर आपका बच्चा पढ़ाई करता है या लिखता है बुक में तो ये पेज उड़ता है, हम बहुत अक्सर देखेंगे जब भी बच्चा लिखता है तो पेज उड़ता है या राइट का या लेफ्ट का, तो इस पर इसको रखने बाद ये पेपर स्टैंड भी बन जाता है जिसकी मदद से आपके बच्चे का पेज उड़ेगा नहीं और आपका बच्चे को दिखने में भी लोग उसका बहुत ज़बरदस्त है। आप पूरा वीडियो देखा तो आपको मालूम पड़ेगा ये कितना बनने के बाद कितना ज़बरदस्त दिखता है और बहुत ही क्यूट दिखता है ये डक। और आप भी अपने बच्चों के लिए ऐसा बनाइए और बच्चों इससे बहुत खुश होएंगे। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो हमने जैसे आप देख रहे हैं कि हमने शार्पनर के साइड में भी सब जगह पे डाल दिए सीमेंट। अभी दूसरे अंडे को भी हमने ले लिया है और उसको भी इसी तरह सेम करेंगे क्योंकि हम दो बना रहे हैं। और साइड में हमने आप देखे रहेंगे एब्रो टेप चिपका दिया अंडे के साइड में ताकि हमारा अंडा गिरे के ना हो किधर से भी जब सीमेंट डालने के टाइम पे। अभी हम दूसरे को भी फिट कर रहे देखिए फ्रेंड्स, अभी हम इसको एक दिन के बाद बता रहे हैं आपको, ये सूख गया है पूरा। इसके अंदर हमने तार डाल दिए गर्दन की तरफ ताकि मजबूती से पकड़ ले हमारी जो गर्दन का जो आने वाला है हिस्सा और मुंडी वो मजबूती से पकड़े, जिससे हमारा बदक जो डाके खूबसूरत दिखे। इसको हमने अच्छी सफाई भी कर दी है, पॉलिश कर दी है इसकी। और अभी हम पेंसिल स्टैंड बना रहे हैं ताकि पेंसिल भी खड़ी हो सके और शार्पनर भी करे, और पेपर स्टैंड भी बना रहे ताकि बच्चे जब पढ़े लिखे तो पेपर उड़े नहीं, उसको कोई दिक्कत ना हो। जैसे आपने मेरे शुरुआत के वीडियो में देखा होगा कि बच्चे ने किस तरह बच्ची ने बुक के ऊपर रखी थी और किस तरह इस्तेमाल कर रही थी। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी हमने इसमें पेंसिल डाल दिए और जो भी साइड का था इसका पर भी हम बना रहे। साइड के पर के लिए हम उसको अलग से वाइट सीमेंट लगाएंगे और पानी से इसे लेवल कर देंगे। अंडे का छिलका पूरा निकालने के बाद हमने ये आगे का प्रोसेस कर रहे। देखिए इस तरह आपको चिपकाना है। और थोड़ा इसके पर में डिजाइन बना देंगे ताकि डक का लुक आ जाए।
फ्रेंड्स अभी हमारा पूरा सूख गया डब। और इसकी मुंडी हमने थोड़ा गीला है और थोड़ी सी सूखी हुई है इसको लगा रहे, और इसको भी साइड से पूरा वाइट सीमेंट से पैक करके आगे भी फ्रेंड्स हमने बदक के चोंच में तार डाले ताकि उसकी चोंच टूटे ना बार बार और मजबूती से पकड़े रहे। तो आपको आगे की तरफ भी छतरी की तार डालना है और थोड़ा सीमेंट लेके हमने छोटी छोटी आँख बना दी। अभी बदक को हमने पॉलिश कर ली अच्छी से, अभी इसको पूरा हम वाइट पेंट मार देंगे और सूखने के बाद में इसको हम आपको चोंच में येलो कलर मारने के बाद दिखाते हैं। पहले वाइट सूख जाएगा फिर येलो मारेंगे हम। देखो फ्रेंड्स हमारा वाइट कलर सूख गया था, उसके बाद में हमने दोनों की चोंच में मार दिया है येलो, और अभी हम इसके पर का और आँख बनाते हैं। देखिए कितने खूबसूरत बन गए। अभी इसके पर में थोड़ा डिजाइन मार देते हैं, बहुत ही खूबसूरत डक बना है ये फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि और भी हम अच्छी अच्छी वीडियो लाए। तो फ्रेंड्स देखिए हमारा बदक बनके तैयार हो गया है और क्या लुक आया है। तो आप भी अपने बच्चों के लिए ऐसा बना के दे सकते हैं जिसमें 3-in-1 काम करता है। ये देखिए आपका बच्चा आराम से लिख सकता है और पेंसिल पेन एक्स्ट्रा रख सकता है और शार्पनरिंग भी कर सकता है। देखिए फ्रेंड्स कितना ज़बरदस्त बन गया है। अभी आपको दिखाते हैं फंके की आवाज़ से कैसा पैच उड़ता है। इसी पैच के लिए हमने ये गैजेट बनाया है कि जिससे बच्चा आपका लिख सके अच्छा, और उसका अगर कभी बुक का पेज भी उड़े ना, क्योंकि हमेशा बच्चे को देखा है कंपोज विम्पोज लगता है जिससे हमेशा कोई ना कोई चीज़ ब्लॉक हो जाती है। लेकिन आपको इस चीज़ को इस्तेमाल करने से बच्चा शार्पनरिंग भी करेगा और पेंसिल भी रख सकता है और बुक का कवर जो बुक का पेज है वो कभी नहीं उड़ेगा। अभी आपको शार्पनरिंग करके दिखा रहे हैं, देखिए कितना ज़बरदस्त शार्पनरिंग होता है। और आपको भी पॉइंट बता दें, देखिए फ्रेंड्स क्या ज़बरदस्त पॉइंट बनी है पेंसिल की। तो फ्रेंड्स लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, चैनल पे इसी तरह बने रहिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए क्योंकि चैनल पे इम्पॉसिबल को पॉसिबल करते हैं। बाय फ्रेंड्स।